अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हेचएनएस में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है हेचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की 10 से बड़ी जमहूरियत होने के नाते हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी दुनिया के मफाद में है और दोनों मुल्क मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल को बेहतर दुनिया देंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने दो रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर के लिए जुमे की सुबह जम्मू पहुंचे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनका इस्तकबाल किया। ज़राए ने बताया कि जुमे की सुबह वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर अपने दौरे का आगाज करेंगे। पटना में अपोजिशन की मीटिंग के बाद आपने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर राज्यसभा में नुमाइंदगी रखने वाली दीगर तमाम 11 पार्टियों ने ब्लैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने मौकूफ का वाज़ेह तौर पर इजहार किया। पार्टी ने मजीद कहा, कांग्रेस जो तकरीबन तमाम मसाइल पर एक मौकूफ रखी है, इसने अभी तक ब्लैक ऑर्डिनेंस पर अपना मौकूफ आम करना है। पार्टी ने मजीद कहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए 15 अपोजिशन पार्टियों ने एक साथ जमा होकर बाहमी इख्तलाफात और अजायम को पसो पुश डालकर बीजेपी और इसकी इतिहादी जमातों के खिलाफ मुतहिद होकर मुश्तरिका उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की पहल पर जुमे को यहाँ मुनाकिदा एक मीटिंग में अपोजिशन जमातों ने बाहमी इख्तलाफात और अजायम को पसो पुश डालते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इसके इतिहादियों के खिलाफ अपोजिशन का इतिहाद तश्कील दिया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मुश्तरिका उम्मीदवार खड़ा करने पर इत्तेफाक किया। इसके साथ अपोजिशन लीडरों ने जुलाई में शिमला में एक मीटिंग करने का भी फैसला किया ताकि कम से कम मुश्तरिका प्रोग्राम तैयार किया जा सके और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर फैसला किया जा सके। क्लासिक गुड़ा मिनिस्टर रोड पर एक नए तामीर शुदा पुल का जुमे को यहां वजीर मवेशी तलासानी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी ने कहा कि MA & UD के वजीर के टी रामाराव SNDP के तहत शहर में सैलाब के मसाइल को हल करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ब्रिज की शुरुआती प्वाइंट हकीम पेट एयरफोर्स स्टेशन और ईस्ट मारेपल्ली डिस्पोजल प्वाइंट हुसैन सागर झील है। पटन चेरू के गोकुल नगर की रहने वाली आसिया बेगम को जुमेरात के रोज जिंदगी के नए बाप की शुरुआत की। आसिया अपने दो बच्चों के साथ पिछले 15 साल से एक कमरे के मकान में किराए से रह रही थी। आसिया बेगम के शोहर पेशे से ऑटो ड्राइवर है। आसिया के लिए वो कमरे की जिंदगी काफी मुश्किल भरी रही। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए आसिया ने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं एक डबल बेडरूम वाले घर के मालिक हूँ। मेरा खानदान अब इससे एक बाइज्जत जिंदगी गुजारेगा। इन्होंने कहा कि मुझे फ्लैट नंबर 107 अलॉट किया गया है। आसिया इन 6 खवातीन में शामिल थी जिन्होंने जुमेरात को डबल बेडरूम घर हासिल किए थे। अपोजिशन जमातों की मुश्तरिका मीटिंग में वजीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क में जमहूरियत के इम्कानात पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर अगले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी कामयाब हो गई तो मुल्क में इंतखाबात दोबारा नहीं होंगे। मरकजी ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी ने जुमे को पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनहा शिकस्त नहीं दे सकती और इसके लिए इन्हें मदद की जरूरत है। आज यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए मोहतरमा ईरानी ने कहा, मैं खास तौर पर कांग्रेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अवामी तौर पर ऐलान किया कि वो तनहा मिस्टर मोदी को शिकस्त नहीं दे सकते और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों की हिमायत की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव ने जुमे को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद की, जिन्होंने गोरखपुर में योगा के आलमी दिन के मौके पर योगा सेशन में हिस्सा लिया। ट्विटर पर जाते हुए SP सरबरा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें CM योगी को योगा के आसन करने में जद्दोजहद करते हुए देखा गया। यादव ने वीडियो के अनुमान से योगा का लुत्फ उठाए कहा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।